एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम कुछ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिक्स से लेके टेंथ तक के हमारे सारे के सारे केमिस्ट्री को फोकस करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू रिमेन कॉन्स्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। ओके, देखो, एक सब्सटेंस है वो क्या है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। किस चीज़ की वजह से वो कॉन्स्टेंट रहता है? वो रहता है लेटेंट हीट की वजह से। उसकी जो लेटेंट हीट होती है वो उसको, उसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रखती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर अ फॉर्म ऑफ मैटर, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको हम मैटर की फॉर्म ही नहीं मान सकते, सॉलिड लिक्विड गैस में से हम एक फॉर्म नहीं मान सकते। जैसे एटम होता है, ये फॉर्म है, वाटर क्या है, एक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी जो होती है वो एक फॉर्म नहीं होती, हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन कूलिंग इफेक्ट, यानी ऐसा इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो एक कूलिंग इफेक्ट देता हो, हमेशा कूलिंग इफेक्ट देगा। तो हम सबको पता है इवेपोरेशन जो होता है ये एक ऐसा होता है जिसमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी हमारे पास जैसे कोई भी सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है, पानी गिरा हुआ है, और वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट करके उड़ जाएगा। तो उड़ने के बाद वो वहां पे क्या छोड़ देगा, एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ देगा। तो हमेशा इवेपोरेशन होता है। इसके अलावा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि कैसे हमारे पास होते हैं, यानी ये सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो तब भी, जब भी हमारे पास क्या है, कोई भी स्टेट के हिसाब से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसके बेसिस के ऊपर होगा, ठीक है। एक हमारे पास स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड होती है, एक हमारे पास लिक्विड होती है, एक हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। जब भी सॉलिड से लिक्विड होगा तो किसकी वजह से होगा, मेल्टिंग की वजह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे, जब सॉलिड से लिक्विड बन रही है वो चीज़। लिक्विड से जब गैस बन रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बॉइलिंग प्रोसेस होगा। सेम ऐसे ही अगर गैस से लिक्विड बन रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। जैसे वेपर से हम डायरेक्टली क्या है, अब जो लिक्विड पानी है, लिक्विड पानी है वो बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास लिक्विड से सॉलिड अगर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये फ्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास एक होता है जब डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से गैस जब कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब्लिमेशन आ जाएगा। और जब हमारे पास गैस से सॉलिड बन रहा है, यानी गैस से उल्टा हो रहा है, गैस से सॉलिड अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होता है, डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है, ये क्या है, स्टेट ऑफ जो हमारे मैटर होते हैं वो होंगे। तो जब भी दो चीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सी हैं, ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन यानी सॉलिड से हमारे पास गैस बन रही है, और हमारे पास क्या है, डिपोजिशन है। तो डिपोजिशन के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इसी से क्लियर हो जाएगा, आपको याद रहेगा। बाकी ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। इवेपोरेशन ऐसा होता है, फिनोमिना होता है जो कि उड़ेगा तो वहाँ से कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ऑन कन्वर्टिंग 308K यानी कैल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी, हमें बस सीक्वेंस में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। तो अब हमें क्या है, सीक्वेंस के अंदर लगाना है, और साथ में हमें क्या बताना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस के अंदर, ठीक है। केल्विन में ऑलरेडी दे रखा है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो वो क्या करते हैं, हम केल्विन में से माइनस कर देते हैं 273,
तो जैसे ही हम केल्विन, केल्विन कितना दे रखा है हमारे पास, 308 दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 308 माइनस हम क्या कर देंगे, 273, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक दे रखा है, एक तो 35 हो गया, एक है हमारे पास 329 माइनस 273, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 56 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और एक हमारे पास क्या है, 391, जिसमें से हम 273 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 118 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले 35 आना चाहिए, फिर 56 आना चाहिए, फिर 118, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जो फिनोमिना होगा उसके अंदर भी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारे पास जो फिनोमिना है वो भी बढ़ेगा। देखो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मिक्स होना जल्दी हो जाता है, मिक्स थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैसेस, कंप्रेस करना है हमें क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये हैं मॉलिक्यूल्स, इनको कंप्रेस करना है। आपको किसी चीज से लेके आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप इसमें हीट ज्यादा दोगे, ज्यादा हीट होगी तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा खुलने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंड ज्यादा होंगे, ना कि कंप्रेस। तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस हम यूज नहीं कर सकते अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं आ सकता। सेम इसमें भी है हमारे पास जो कंप्रेशन है गैसेस का, ये भी हमारे पास नहीं आ सकता। और लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास कंप्रेशन है, तो ये तो ऑप्शन में आ ही नहीं सकते। राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इवेपोरेशन है, डिफ्यूजन है और एक्सपेंशन है ऑफ गैसेस। जैसे जैसे आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर दोगे, गैस जो होगी वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू द बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, नॉर्मली हमारे पास ये एक बीकर है जिसके नीचे हमने क्या लगा दिया, एक बर्नर लगा रखा है जो कि कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहा है। और इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या है, पानी भरा हुआ है जो कि एक बॉइलिंग वाटर है, यानी बॉइल कर रहा है, उबल रहा है ये पानी, और इसको हम कॉन्स्टेंटली एक हीट प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वाटर का वो क्या रहेगा, जब वेपराइजेशन हो रहा है यानी इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है वो किसमें, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो पानी होगा उसका टेम्परेचर कैसा होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत रैपिडली बढ़ेगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, पहले बढ़ेगा टेम्परेचर और फिर क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं हिलेगा, यानी जितना है जैसा है वैसा ही रहेगा, रेज जरा सा भी नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास, हमने कौन सा वाटर लिया है पहले, गाइज यही चीज ध्यान दो, बॉइलिंग वाटर की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वाटर जो है एक बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच चुका है और उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा नहीं। जैसे ही वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच गया, अब हमारे पास जो वाटर होगा इसका टेम्परेचर जो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इट डज नॉट रेज एट ऑल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप प्रोवाइड करते रहोगे हीट तो भी हमारा जो पानी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजिशन। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, देखो अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस को अलग अलग डिफाइन करें तो हमारे पास देखो हम क्या ले लेते हैं, तीन कंटेनर ले लेते हैं, एक हमारे पास सॉलिड के लिए हो जाएगा, एक हमारे पास लिक्विड के लिए और एक गैस के लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड, ये हमारे पास क्या दिखाएगा, लिक्विड, और ये हमें क्या दिखाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड के लिए हमारे पास क्या होंगे, काफी रेगुलर होंगे सारे के सारे। ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन होगी उनकी, लेकिन ये फिक्स पोजीशन में भी क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या चीज होगी, फिक्स्ड पैटर्न होगा,
प्रॉपरली फिक्स्ड पैटर्न होगा इसका, और दूसरा हमारे पास ये क्या है, वाइब्रेट कर सकते हैं, तो वाइब्रेटिंग भी नेचर होगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर लिक्विड की देखें तो लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, यानी रैंडमली प्रेजेंट होंगे, रैंडम फैशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्लोज होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे, क्लोज हैं लेकिन किस में है, रैंडम फैशन के अंदर हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रैंडम फैशन, ठीक है। और हमारे पास ये क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, फ्री टू मूव, जिससे हमारे पास पानी जो होता है वो हम आराम से, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो आराम से मूव कर पाती हैं, ठीक है। गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, और साथ में हमारे पास क्या है, देखो एक तो ये वाइडली स्प्रेड होंगे, दूर होंगे तो वाइडली स्प्रेडेड होंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी, कि ये ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं, तो स्पीड इनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मूव करेंगे पूरी स्पीड के साथ ये मूव करेंगे, तो ये स्पीड जा रही है, कभी किधर टकरा रहे हैं, कोई किधर टकरा रहा है, ये मॉलिक्यूल्स, तो ये होते हैं इनके बेसिस के ऊपर। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजिशन, तो वाइब्रेशन हमारे पास आ गई, वाइब्रेट कर रहे हैं एक फिक्स पोजिशन से, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। देखो गलत हो गया, अगर लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या है, रैंडम फैशन के अंदर होता है, कभी भी रेगुलर पैटर्न के अंदर नहीं होता, तो यही हमें मिल गया, ठीक है, जो हमारे पास गलत है, बाकी सारे के सारे हमारे सही हैं। द मॉलिक्यूल इन अ गैस एग्जर्ट नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स ऑन ईच अदर, थोड़ी थोड़ी सी फोर्स गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कोलिजन, कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई एट ऑल द स्पेस अवेलेबल, देखो गैस का क्या है, इतनी ही हमारे पास स्पेस थी, उस पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया, चार मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर दिया, तो ये क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं पूरी स्पेस को, जितनी भी स्पेस होगी सारे को, सॉलिड के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती, गैस के पास होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, गलत जो है हमारे पास, नॉट ट्रू ही पूछा गया था, तो वो है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स, ठीक है, हमने क्या है, दो गैस के जार लिए हैं, ये हमारे पास एक जार है, इसके ऊपर ही हमने क्या लिया है, एक दूसरा जार भी रख दिया, इसके जस्ट ऊपर रख दिया, ठीक है। हमारे पास जो नीचे वाला गैस था, देखो ऊपर हमने कौन सा लिया है, हमारे पास एयर वाला जार लिया है, और नीचे हमारे पास क्या थे, ब्रोमीन वेपर वाला था, तो ये मान लो आप ब्रोमीन वेपर्स हैं उसके अंदर, और एयर वाला हमारे पास क्या है, खाली आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारे पास एयर वाला जार है, इसके ऊपर हमने रख दिया है। द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो अपवर्ड इन द जार कंटेनिंग एयर, देखो एयर हमारे पास कौन सी है, ये वाले के अंदर हमारे पास एयर है, और इस वाले में हमारे पास क्या है, ब्रोमीन के वेपर्स प्रेजेंट है, ये ब्रोमीन के वेपर्स प्रेजेंट है। अब देखो लेकिन जैसे ही ये इसके ऊपर आप रखते हो, रखते के साथ क्या होता है, ब्रोमीन के जो वेपर्स होंगे वो क्या है, एयर वाली साइड पे जाने लग जाते हैं, यानी ऊपर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे डायरेक्टली हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आता है, कि हमारे पास जो ब्रोमीन के जो वेपर्स हैं वो क्या है, यानी ब्रोमीन जो है वो हमारे पास क्या है, हल्की है, हल्की है एयर से, इसी वजह से वो क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये देखने में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन को इस हिसाब से फॉर्म किया जाता है, लेकिन मेन जो रीजन है उसका वो किसकी वजह से है, डिफ्यूजन की वजह से। एक तो हमारे पास कोलिजन है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर कोलाइड कर रहे हैं और हाई स्पीड के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जार की जो बाउंड्री होगी उसके ऊपर क्या होगा, एग्जर्ट करेंगे वो प्रेशर, तो ये तो हमारा नेचर होता है गैस का, उसने तो ये कम करना ही है। साथ में मेन प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन क्या कर रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, प्रॉपरली मिक्स किया जा रहा है थ्रू आउट बोथ दी जार्स। थोड़े टाइम के बाद ये स्टार्टिंग के पॉइंट देखी गई है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, दोनों जार सेम कलर में हो जाएंगे, तो ये अभी क्या है, फिलहाल डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, ब्रोमीन जो हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका वेट आधा नहीं या वेट कम नहीं है एयर से, तो हमारे पास इसमें राइट आंसर क्या आएगा, ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, ये करेक्ट आंसर है, जो कि मोस्टली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कह देते हैं कि लाइट होगा, ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देते हैं, कि एयर हैवी है और ब्रोमीन जो है वो हल्का था, इसीलिए ऊपर जा रहा था,
लेकिन मेन रीजन इसका किसकी डिफ्यूजन और कोलिजन जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इसके। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।